पता था। सो आप सोचते हैं कि इतना ज़्यादा सब्र जो है, ये हमारे लिए स्टोरीज इसलिए नहीं कि हम अपने आप को एंटरटेन करें, दी स्टोरीज आर देयर टू मेक अस लर्न लेसन्स कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, गुस्सा ना करें, बच्चों को माफ़ करना सीखें, बड़े से बड़ी चीज़ पे कभी कभार आपको सब्र करना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड। ऑफन टाइम्स पीपल थिंक कि यू नो मेरे बच्चे मुझसे झूठ बहुत बोलते हैं, एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है कि जी बताएं हमारे बच्चे हमसे झूठ बहुत बोलते हैं, हम क्या करें। सो द क्वेश्चन इज कि इफ योर किड्स आर लाइंग टू यू, देन दिस इज अ साइन दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम यू और दे आर ग्रोइंग डिस्टेंट फ्रॉम यू। बिकॉज द क्वेश्चन आई हैव टू आस्क इज कि पहली बात मुझे बताएं, व्हाई डज अ चाइल्ड लाई? कौन बताएगा मुझे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं जी। बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ यू। जज़ाकअल्लाह खैर सिस्टर, ये चॉकलेट आपके लिए, ये पास कर दीजिएगा इफ आई कैन शो प्रॉपर्ली, प्लीज इनको पास कर दें। सो बिकॉज व्हाई डू पीपल लाई? बिकॉज दे आर अफ्रेड। अफ्रेड ऑफ व्हाट? कि अगर मैंने बता दिया तो जो मेरे साथ होगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सो आपको पता है बच्चे फिर झूठ बोलते हैं, और जब झूठ बोलते हैं दे डोंट वॉन्ट टू शेयर विद यू, विच मीन्स कि या तो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनकी बात को आप समझ नहीं पाते, या आप कोई ऐसा रिएक्शन शो करेंगे जो कि बनता नहीं है, या फिर आप किसी डरते बहुत ज़्यादा हैं, दे डोंट इवन फील कंफर्टेबल टू टॉक टू यू। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। सो द थिंग इज वी नीड टू मूव अबव दैट एंड रियलाइज कि दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इफ आवर चिल्ड्रन आर लाइंग टू अस, मे बी हमने वो बैरियर क्रिएट कर दिया, मे बी हमने उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं रखा जो कि रखना चाहिए था, कि यहाँ तक नौबत आ गई कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वरना अगर आपका ओपन रिलेशनशिप हो अपने बच्चों के साथ तो दे डोंट नीड टू लाई। इवन इफ दे कमिट अ सिन, दे विल से यू नो व्हाट डैड, पता क्या मुझे गलती होगी, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, मुझे गलती होगी, लेकिन प्लीज़ ये तो आप कहते हो बेटा आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट यू सेड, आई मीन आई एम नॉट हैप्पी, बट चलो अच्छी बात है कि आप जो ना मेरे पास आए, आई एम हैप्पी दैट यू केम टू मी एंड यू डिड नॉट गो टू समबडी एल्स। तो वी नीड टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। फैमिलीज को अगर साथ लेके चलना है तो ये रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, इसके बगैर चारा नहीं है। वी नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप। Yelling and insults, they shatter a child's dignity, especially when you insult a child in front of their younger siblings. सबसे बड़े बेटे को सबके सामने डांटा, तो देखिए उस बेटे की कोई इज्जत भी है ना जिसको आपने तबाह करके रख दिया। क्यों? क्योंकि या तो उसको आप प्राइवेटली डांटते, प्राइवेटली कमरे में ले गए, कहा बेटा देखो तुमने सही नहीं किया, आई एम नॉट हैप्पी विद यू, आई एम डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब हम बच्चों की बेइज्जती सबके सामने करते हैं तो यकीन करें उससे हालात खराब होते हैं। उनके अपने बहन भाइयों के सामने रिस्पेक्ट लूज होती है, उनको कॉन्फिडेंस शैटर होता है, और उनको लगता है कि माय पेरेंट्स दे डोंट रियली केयर अबाउट मी, या दे डोंट लव मी एनी मोर, ये सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। सो वी नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप जहां पे अगर किसी बात पे आप उनको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, डू इट प्राइवेटली, कंट्रोल योर सेल्फ, काम डाउन, रिलैक्स, डू इट प्राइवेटली, डोंट डू इट इन पब्लिक। मुझे अपने भाई का एक वाकया याद है, वो उसकी बचपन में आदत थी, वो क्या करता था कि जब उसको अम्मी से मार पड़ती थी ना थप्पड़ वगैरह, तो मुझसे 2 साल छोटा है वो, तो उसको जब थप्पड़ पड़ता था तो वो हमेशा ना लेफ्ट राइट देखता था, ये उसकी आदत थी। थप्पड़ पड़ा, अगर किसी ने नहीं देखा तो कहता था मुझे तो दर्द नहीं हुआ, मुझे तो दर्द नहीं हुआ, और अगर देख ले किसी ने तो फौरन रो पड़ता था। तो वो उसको तकलीफ फिजिकल नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल थी, क्योंकि थप्पड़ वही थप्पड़ जो पहले था वही बाद में भी पड़ा है, लेकिन पड़ने के बाद वो लेफ्ट राइट देखता था, अगर किसी ने देख लिया तो वो फौरन रो पड़ता था कि बस बेइज्जती होगी। My ego has been shattered. So, सुभानअल्लाह, मैं आपको बताऊं बच्चों की ईगो शैटर होती है, बच्चों की भी एक इज्जत और आबरू होती है, वो शैटर हो जाती है जब आप उनको इंसल्ट करते हैं, और जितनी बुरी इंसल्ट करते हैं, लिटरली दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ गुड हाउस, दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ हेल्थी होम, जहां पे गाली तक बात पहुंच जाए, इंसल्टिंग बिहेवियर तक बात पहुंच जाए और माँ बाप और यानी ताने देना शुरू कर दें, then this is not right. So, इसको अवॉइड करें प्लीज, especially sisters. आई नो बाप तो घर में टाइम ज़्यादा गुजारते नहीं, ज़्यादातर बाहर होते हैं, लेकिन सारा का सारा एफर्ट नॉर्मली जो है ना वो जो चीज़ें हैं वो माँ की तरफ से आ रही होती हैं। अब्बा जान कभी कभार नाराज़ होते हैं, लेकिन होते हैं तो फिर दबा के होते हैं, लेकिन अम्मी सुबह शाम जो है वो एक्सप्लोड करती रहती हैं, इधर पटाखा उधर पटाखा इधर पटाखा उधर पटाखा। सो वी नीड टू कंट्रोल आवर टंग्स। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, हु वाज द सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही सर्वड हिम फॉर 10 years। 10 साल तक अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व किया, और कहते हैं मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा भी उफ़ नहीं कहा, नबी ने मुझे उफ़ नहीं कहा, और ना ही मुझे ये कहा कि ये काम तुमने क्यों नहीं किया या वो काम तुमने क्यों किया, मैंने मना किया था, कभी ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं मैं खेल भी रहा था, यानी घर से निकला खेलने के लिए कहीं रुक गया, खेलने के लिए कहीं रुक गया, मुझे भेजा किसी काम से कि फलां चीज़ ले आओ, मैं खेलने गया, आगे कुछ चीज़ नजर आई, मैं वहाँ पर बिजी हो गया। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुझे पीछे से पकड़ लिया,
और कहा या उनैस, प्यार से उनको उनैस कहते थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, इधर से डर गए कि ये क्या हो गया। कहते मैंने देखा आप सल्लम मुस्कुरा रहे थे। कैन यू इमेजिन, हमने बच्चे को भेजा कोई काम करने के लिए, दही लेने के लिए, डबल रोटी लाने के लिए, और वो बैठा टीवी देख रहा हो नीचे। ऊपर से बैठा देखा नीचे, अभी बाहर ही नहीं गया, नीचे बैठा टीवी देख रहा है, कार्टून टॉम एंड जेरी लगा हुआ है या कोई बग्स बनी देख रहा है, और आधा घंटा हो चुका है। तो हमने कहा तुम इधर बैठे हो? तो बस मैं बस अभी जा ही रहा था, इधर आओ मैं तुम्हें भेजती हूँ। उतारा जूता और शुरू हो गया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने, उन्होंने मुझे पकड़ा, मैंने पीछे देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं जाओ जाओ काम करो, फिर आके खेल लेना, नथिंग। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों से एक्सपेक्टेड ही है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन टू डू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू डू? चिल्ड्रन तो यही करते हैं, बच्चे तो ऐसे ही काम करते हैं। तो सरप्राइज होने वाली क्या बात है? सरप्राइज वाली कोई बात नहीं। द थिंग इज कि हम लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, अगर है नहीं तो डेवलप करनी है इंशाल्लाह, कि जहाँ पे इन चीज़ों पे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है उन पर माफ करना बच्चों। बच्चे ऐसे हैं, ऐसे ही काम करते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह, लेकिन उनको नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट ही देनी है, पॉजिटिवली रीइन्फोर्स करें उनको। बिकॉज ये बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशन होती है किसी बच्चे के लिए कि जब आप उसको ट्रस्ट करें और कहें कि बेटा कोई बात नहीं आप जाके फिर कर लीजिएगा, उससे उनके अंदर एक गिल्टी फीलिंग भी डेवलप होती है कि मैंने कुछ गलत किया, बट आपके लिए रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मुझे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि दोबारा मुझे भेज रहे हैं, दोबारा मुझे ही भेज रहे हैं। ये नहीं कहा कि तुम तो हो ही डफर, बैठो साइड पे मैं किसी और को भेजता हूँ, ऐसे नहीं कहा, दोबारा मुझे ट्रस्ट किया। दिस इज वेरी एम्पावरिंग फॉर अ चाइल्ड एंड दिस इज हाउ यू रेज चिल्ड्रन, दैट्स हाउ यू सपोज टू रेज किड्स, नॉट विद डांट डपट और चीख पुकार और मार धार और इस तरह। ये तो जानवर पलते हैं, इस तरह इंसान पालने हैं, मुसलमान पालने हैं, उनको प्यार से मोहब्बत से पालना पड़ता है। उसके लिए आपको बहुत दफा अपना गुस्सा पीना पड़ता है फॉर द बिगर गुड ऑफ द चाइल्ड इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है।